सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि धरौ कलेश विकार हनुमान चालीसा की शुरुआत में ये पंक्तियां कितनी सुंदर हैं। बल बुद्धि विद्या देहु हे भगवान मुझे बल दो, और फिर खाली बल होगा बुद्धि नहीं होगी तो बल का आदमी दुरुपयोग करेगा, योग्यता का आदमी दुरुपयोग करेगा। कई लोग करते हैं, योग्यता है तो फिर जहां जाएंगे उनके गुण गाने लग जाएंगे, जहां जाएंगे बस हम तो आपकी कृपा से। नारद जी ने ऐसे लोगों पर जरा, तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों पर बहुत चोट की है। जब नारद जी काम विजेता होकर के लौटे हैं और भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु को सारी बात बता दी कि कामदेव आया था मेरी समाधि तोड़ने और तोड़ नहीं पाया, हार गया आदि आदि सारी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने कहा वाह वाह आपकी महिमा तो परम पार है। तब लिखा है नारद कहे ऊ सहित अभिमाना, नारद जी अभिमान सहित कहते हैं, क्या कहते हैं, नारद कहे ऊ सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, आपकी सब कृपा है भगवान। पर कैसे कह रहे हैं, नारद कहे ऊ सहित अभिमाना, नारद जी अभिमान के साथ कह रहे हैं क्या, सब आपकी कृपा है। ऐसे ही कई होते हैं कलाकार जो कहीं भी जाएंगे ना बोलेंगे आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, पर अंदर में तो सोचते हैं कि हो जाऊं भव से पार लेकर नाम तेरा। जीवन में तप होना चाहिए, करें जाई तप शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। जीवन में तपस्या करनी चाहिए, रात को सुबह शाम को जब भी समय मिले, और कोई तप नहीं तो भगवान का नाम तो हम जप कर ही सकते। बोलो विद्यार्थी कर सकते कि नहीं कर सकते, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम हमारे मन में चलता रहे, हमारे होठों पर भगवान का नाम आए। बापूजी जब पढ़ते थे स्कूल जाते थे, रिसेस होती तो खेलने कूदते नहीं जाते, बापूजी एक पीपल के पेड़ के नीचे आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाते। ढाई साल की उम्र थी जब बापूजी की, तब उनकी मां उनको ध्यान सिखाती थी। बापूजी आंखें बंद करके बैठते, फिर मां चांदी की कटोरी में मक्खन और मिश्री रख देती और थोड़ी देर बाद कहती देखो आंख खोलो तुम्हारे लिए भगवान ने मक्खन मिश्री भेजा है, और फिर तो ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे रहे न मछली जल बिन जैसे। तो हम भी अपने जीवन में ऐसी कोई आदत डालें। गुरु गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय में हैं, उन्होंने कहा कि चार बातें ध्यान में रखो आपकी उन्नति होगी। एक तो आरंभ, गुरु गोरखवाणी
गोरखनाथ जी की गुफा ब्रह्मगिरी पर्वत पर है, त्र्यंबकेश्वर से थोड़ा आगे जाओ ब्रह्मगिरी पर्वत। साधुओं ने देखी होगी, शायद गए होंगे, तो मैं गया हूं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से आगे ब्रह्मगिरी पर्वत है, और ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ के जाओ तो ऊपर थोड़ा साइड में गुफा है गोरखनाथ जी की। आरंभ माने अभी तक बाहर ही क्यों दौड़ रहे हो, थोड़ा अंतर यात्रा का भी आरंभ करो, शुरुआत करो। जीसस का कन्वर्जन भी यही कहता है, पर आज जीसस के अनुयायी उसका उल्टा अर्थ कर रहे हैं, मतलब धर्म परिवर्तन करा दो। जीसस का कहना था कन्वर्जन माने बाहर दौड़ना छोड़ दो, अब अंतर्मुख हो जाओ, व्यर्थ बोलना व्यर्थ सुनना छोड़ो। जीसस ने इस अर्थ में कहा था, पर जीसस के अनुयायी कुछ और ही अर्थ कर रहे। गुरु तो सही रास्ता ही बताते हैं, कई चेले ही मनमुख होकर कुछ का कुछ कर लेते हैं, बाकी जीसस ने तो सही रास्ता दिखाया था, आरंभ। दूसरी बात, गोरखनाथ जी ने कई घट माने इस शरीर को संभालो, इसकी उम्र यूं ही ना बिताओ, इसके द्वारा साधन भजन करो, जप तप करो, कोई सेवा का काम करो। एक लड़का 12 साल का, उसने दीक्षा ली सारस्वती मंत्र की बापूजी से, जप करता, पढ़ाई लिखाई में सफल होता, पर पिताजी जो जेब खर्ची के पैसे देते वो खर्चता नहीं था, जमा करता था। और हर साल उसका जन्मदिन आता, गरीबों की बस्ती में जाकर मिठाई बांट के आता गरीब बच्चों को, और कोई ज्यादा गरीब बच्चा है उसको एक आध जोड़ी कपड़े खरीद कर दे आता। अब आप बताओ सत्संग से एक लड़के को कैसी शिक्षा मिली, और जेब खर्ची के पैसे फालतू खर्चा नहीं करता, गरीबों की बस्ती में जाकर सेवा करके आता था। ऐसे कई विद्यार्थी हैं। गुजरात में अमलसाड़ है, अमलसाड़ की एक कन्या सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली, जब तब करती, वो कन्या भक्ति में भी आगे बढ़ी, उसके जीवन में जो फालतू खर्ची की आदतें थी वो भी छूट गई, और गोल्ड मेडल मिलने लगे उसको, इतनी सफल हुई। इंदु नाम की एक कन्या रायपुर छत्तीसगढ़ में सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली हुई थी बापूजी से, बीए एमएस की परीक्षा दी, फर्स्ट आई, गोल्ड मेडल मिला उसको। पहले बोले इतनी मैं कुशाग्र बुद्धि की नहीं थी, पर दीक्षा के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आया। तो दूसरी बात, गोरखनाथ जी ने कही घट माने शरीर को संभालो, इस शरीर के द्वारा साधना आराधना आदि करो। चाय पीते हैं आजकल कई, सुबह उठते कॉफी पीते हैं, और रात की रखी हुई रोटी सुबह चाय से खा जाते हैं। बोलो, तामसी भोजन करेगा तो बुद्धि तामसी होगी ना। वो जमाना था, सुबह उठते थे तो बोलते थे कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, दोनों हाथ अपने मुंह पर घुमाते थे। और आजकल तो कराग्रे वसते ब्रेडम, कर मध्य बिस्किटम, कर मूले चाय पात्रम प्रभाते कप दर्शनम। आजकल ऐसा करते हैं कई पढ़े लिखे लोग, सुबह नहाए बिना ही चाय पी लेते हैं। बोलो, थोड़ा मुंह धोया न धोया चाय और कॉफी तो पी लेते हैं पहले ही, और फिर नाश्ता भी कर लेते हैं, फिर 9 बजे नहाने को जाते हैं। ये मानुषी स्नान नहीं है, ये प्रेत स्नान है। 9 बजे नहाने जा रहा है, नाश्ता करके चाय कॉफी पी के फिर नहाने जा रहा है। एक होता है ब्रह्म स्नान, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए और ब्रह्म परमात्मा का चिंतन किया, अपने में ब्रह्म भाव लाए कि मैं ये 5 भूतों का शरीर नहीं हूं, 5 भूतों का शरीर 5 भूतों में लीन हो जाएगा, मैं तो साक्षी चैतन्य आत्मा हूं, ओम 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 ओम, मैं ये परिवर्तनशील और अनित्य शरीर नहीं हूं, मैं तो नित्य अपरिवर्तनशील साक्षी चैतन्य आत्मा हूं, मैं अपरिचिन्न ब्रह्म से एक हूं, हरि ओम 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 ओम, ये ब्रह्म स्नान। दूसरा है
ऋषि स्नान, आकाश में तारे हो और स्नान कर लिया, जप तप करने बैठ गए, अपना पाठ आदि जो करना है वो करने बैठ गए, ऋषि स्नान हो गया है। तीसरा तीर्थ स्नान होता है, स्नान करते समय सुबह जल्दी गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सरस्वती सन्निधि कुरु, ऐसा थोड़ा तीर्थ स्नान, तीर्थों का नाम सुमरण करते हुए, ओम ह्रीम गंगायै ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम गंगायै ओम ह्रीम स्वाहा, तीर्थ स्नान है। चौथा मानुषी स्नान, सूरज उदय होने की तैयारी और जल्दी उठ गए, भाई सूर्योदय के पहले नहाना चाहिए, जल्दी उठ गए और नहा लिया। पांचवा है आसुरी स्नान, चाय पी ली, कॉफी पी ली, नाश्ता कर लिया।